कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है देखा नहीं आपने? इसके बच्चों की ये बाकी दे रहे सारे घर पास। अरे अभी फोन आया है कि गग्गल के पास सनोरा महिंद्रा का जो शोरूम है वहाँ से गाय पकड़ के चंबा ले जा रहे हैं। कह रहे हैं जी पालेंगे तो चंबा में गाय नहीं होती क्या? चंबा में ट्रैक्टर नहीं चलते है और हम बैल वाल छोटे छोटे खेतों में बैल की हल करेंगे। अभी सच बोल रहे हैं झूठ कर रहे हैं बोल रहे हैं हमें क्या पता? गाय क्यों ले जाएंगे, गाय का फल चलाती है। अब हम वहाँ जाएंगे तो पूछेंगे तो सही कि भाई कौन हो क्या ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमें नहीं पता ना काटने के लिए ले जा रहे हैं। जोगी जी अभी एक न्यूज मिली है कि गग्गल में कोई काऊ को चंबा ले जा रहा है अवैध तरीके से। क्या बोला आपने, कहाँ ले जा रहा है? आई थिंक इनफ है। हमने पहले भी यहाँ पे एक बंदे को पकड़ा था, वो क्या करता था कि लोगों से पैसे लेके जो गाय बैल मतलब लोगों को नहीं चाहिए, लोगों से छोड़ने ही होते हैं, उनसे ले लेता था, रख लेता था। जो गाय बैल किसी के काम का नहीं है, जिसको देने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, उसे कोई क्यों खरीदेगा काटने के लिए? आपने फोन किया था? एक तो ये है ना बंदा, ये सुबह से आए हुए, ये दारू पी के आ रहे थे और यहाँ पे गाय को दो को कैच कर रहे थे। मैंने इनको बोला कि भैया क्यों पकड़ रहे हो, ये बोल रहे थे पकड़ने पालने के लिए लेके जा रहे घर में खेती बाड़ी के लिए। मेरे को शक दोपहर को हुआ जब इन्होंने गाय को पकड़ा फर्स्ट वेयर, अरे दूसरी गाय को पकड़ने जा रहे थे ये, तो मेरे को इनको लगा कि ऐसे व्यवहार इनका जो देख के तो मेरे को लगा कि ये नहीं है सर पालने वाला व्यक्ति नहीं लग रहा मेरे को। मेरे को तो ये लगा कि सर जो दूसरा बंदा ना जो यहाँ बैठा हुआ था वो बंदा किसी उसमें काम करता होगा गौशाला में, और वहाँ से उन्होंने चार गायें गायब कर दी हैं और वो चार गायें यहाँ से पूरी करके वहाँ ले जा रहे हैं। अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं ना, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है वहाँ पे शॉर्ट हो गई हैं, अब वेरिफिकेशन हो रही होगी तो इधर आगे टोल मोल करके चार गाय वहाँ जाके पूरी कर दो। तो ये तो घर के दूर से उठा रहे हैं। हाँ नहीं तो वहीं से नहीं उठा सकते, जिसने पालने के लिए लेनी होगी वो वहीं से उठा लेगा, इतना बड़ा चंबा तो कांगड़ाने की क्या जरूरत है। मैं कहता रहा हूँ लोग तो पशु छोड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, भाई मेरा बैल ले जा ये 500 रुपये रख ले, 500 रखो छोड़ा इसको कहीं और ये उठाने के चक्कर में है। तो आपको चंबा में गाय नहीं मिली पालने के लिए? क्यों तो अब क्या बताएं यार, अरे बता दो ना क्या हो गया किसके लिए? दूध के लिए यार। हाँ दूध के लिए, दूध के लिए क्यों? हम हिंदू हैं यार, हिंदू हैं, हिंदू हैं हम। अरे हिंदू तो हो, मैं वो थोड़ी बोल रहा हूँ आपके आप कोई और धर्म हो। एक तो ये बांधी हुई है, पानी डाला है आपने इसको? कुछ नहीं पड़ा इसको, वो बच्चू पकड़ना बोला कौन? आपने पिया है सुबह से पानी? आपने पिया है सुबह से पानी? आपने पिया है? वो ना पिए आपने अभी उसको सुबह से बांध रखा है ना पानी डालता है। आप खोल दो यहाँ से मत निकलो, आपके यहाँ चंबा में जब गाय दूध देना बंद कर देती है लोग छोड़ते ही होंगे, सारी दुनिया छोड़ रही है, चंबा में भी छोड़ते होंगे, तो उससे ले लेना गाय आप से ले लेना। क्या आपने करनी क्या थी, क्या करते हैं दूध ये नहीं देती माता है हमारी, अगर इसकी हम सेवा न करें तो हम। आपने सुबह से पानी नहीं दिया? आप भी सर एक घंटा बन गया है, फिर ये बछड़े पकड़ रहे थे सर, ये दो बच्ची एक ये तो परेशान भी इतनी हो रही है, गला बहुत टाइट बांधा हुआ है एकदम। भाई ये तो काटनी पड़ेगी जनाब, आपको सेवा करनी है ना, आप घास खरीदो खिलाओ इन्हें, कोई मनाही नहीं है, आप पानी का टब लगाओ है ना। चंबा में आ यार, चंबा कहाँ गग्गल, पशु को भी दर्द होता है। आप जो भी ये काम कर रहे हो आप मत करो। एक बात और है, हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, आगे जाके कोई आगे ना उठा ले, पुलिस को बुला देते हैं, थोड़ा ना खेती में यूज होती, मैं भी किसान हूँ, बैल यूज होता है, बैल यूज होते हैं। घर से आए थे गाय लेने के लिए, दूध के लिए गाय होती है ना, इसने लाया था हमारे साथ, बोलो गाय मिलती है वो। ये गाय लोग सड़कों पे छोड़ते ही इसलिए हैं कि अब ये दूध नहीं देती, ये तक लगाया है बस बस, ये गलती है सर, नहीं तो हम हिंदू हैं, गाय माता की हम सेवा करते हैं। आपने गाय बांध रखी है, आपने पानी नहीं दिया उसको, खाने को कुछ दिया नहीं सुबह से, खुद आपने शराब पीने का समय है, गाय को पानी पिलाने का समय नहीं है, ऊपर से मुझे हिंदू हिंदू मत बोलो, आप छोड़ने वाला भी हिंदू है। अब हमें इनकी मंशा जो भी लग रही थी कायदे से उस बात का पुष्टिकरण तो मात्र पुलिस ही कर सकती थी, इसीलिए हमने मामले को थाने ले जाना उचित समझा। तो वहाँ पे अब उनकी पंचायत में वेरिफिकेशन करेंगे, फिर कुछ आगे वो पशु ले जाने देंगे या नहीं। तो अगर ये तस्कर है तो कम से कम इनके मन में डर तो बैठ गया, और आज के लिए गाय
बच गई। लेकिन आज स्लॉटर से वो बच भी गई तो घर से निकाली गाय आज नहीं तो कल भूख बीमारी या गाड़ी से मरेगी ही। लेकिन यदि भगवान हैं तो गाय की इस दुर्गति का जिम्मेदार हर व्यक्ति अपने आप को इसी स्थिति में एक दिन पाएगा।